हर दम ये यीशु जी
का दिन है वो यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें आनंदित हों। आइए हम आज सब यीशु की हजूरी में आनंद बनाएं, क्योंकि वो ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसने धरती आकाश सब कुछ बनाया, चांद सितारे सूरज और ये जो समुंदर है, जो समुंदर के बीच में रेंगने वाले सब जानवर मछली सब कुछ उसने बनाया और उसने हमें भी बनाया अपने जैसा। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं अच्छे महान हमारे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद कि मैं भेंटे चढ़ाता हूँ। प्रभु जी आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर फादर। फादर आई सबमिट मायसेल्फ अनटू यू फादर जी, गिव मी द अनुग्रह ऑफ द होली स्पिरिट एंड स्पीक टू मी। पिताजी आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा का मसा दें। आज आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं। हमारे कान और हृदय को खोले ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। धन्यवाद की बेटे चढ़ाता हूँ, मानता हूँ यीशु के नाम से। अगेन सबको जय मसीह की। तो जो आज हमारे ऑनलाइन में देखने वाले उन सबको भी जय मसीह की। आई प्रे की परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे और परमेश्वर आपके घर में आज मिरेकल करे, चमत्कार करे, क्योंकि वो हमारा जो परमेश्वर है वो सेम गॉड है 2000 साल पहले, अभी और आने वाले समय के बाद वो सेम गार्ड है। और वो कौन है? वो चमत्कारी गार्ड है, चमत्कार करता है। आमीन। चलिए यही हम जो लास्ट संडे हमने सीखा था, व्हाई आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मैं प्रभु यीशु में क्यों विश्वास करूं। हमने सुना ही वाज द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड बिकमिंग ए फ्लैश डेवलपिंग अमंग अस। जो सन ऑफ गॉड है वो एक इंसानी तौर पे धरती पर आया और हमारे बीच में रहा। और हमने सुना कि किस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट में भी उनके बारे में प्रोफेसीज की गई और किस तरह से प्रभु यीशु ने मोर देन 300 प्रोफेसीज जो उनके ऊपर हुई थी वो उन्होंने पूरी की है। मोर देन 300, दैट्स कभी कभी कोई कर ही नहीं सकता। इट्स ओनली जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही इज लिविंग गॉड, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो उनके अपोस्टल्स थे, जो उनके डिसाइपल थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने भी उनको फॉलो किया। ठीक है, उन्होंने भी बिना किसी और सोचे, जैसा कि जो पॉल था वो क्रिश्चियंस को क्या करता था? तंग करता था, परेशान करता था। और उसने भी जो इतना पढ़ा लिखा इंसान था, जब प्रभु यीशु ने उसको कहा कि तू मेरे लोगों को, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तो उसने बोला कि हु आर यू, कहते आप कौन हो लॉर्ड, कहते मैं जीसस क्राइस्ट। तो उसके बाद है देन ही स्टार्ट फॉलोइंग हिम बिकॉज प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। अगर हम जाएं जरूसलम में उनकी टूम को देखें, उनकी टूम को देखें, जो उनकी कब्र है वो खाली है, वहां पर जीसस नहीं है। ही मरे थे, मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए। पीटर ने, पॉल ने, थॉमस ने
और जितने भी उनके डिसाइपल जॉन जेम्स सब ने ये टेस्टिफाई किया कि ही इज लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़कर तो उस परमेश्वर को उन्होंने पीछे चल पड़े उसके। अभी बात आती है मेरी या आपकी। अगर हम वो तो कहेंगे यार वो तो 2000 साल पहले था या उससे पहले था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऋग वेदा में या दूसरे पुराने वेदास हैं उसमें भी प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, हमने लास्ट टाइम उसको बताया भी था। तो इट्स नॉट ओनली बाइबल इज सेइंग अबाउट क्राइस्ट, सिर्फ बाइबल ही प्रभु यीशु के बारे में नहीं बोलती, पर इवन दो जो दूसरी धर्म की बुक्स हैं जैसा कि वेदास है उन्होंने भी प्रभु यीशु के बारे में बोला है कि देव पुत्र। और जो कुरान है उसमें भी प्रभु यीशु का बहुत जिक्र किया गया है। तो वो तो चलो हम मानते हैं कि वो पुरानी वो बातें हैं, वो बाइबल में लिखा है, वो कुरान में लिखा है, वो वेदास में लिखा है, वो उन लोगों ने विश्वास किया, पर मैं क्यों विश्वास करूं? ऐसा क्या प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है? क्योंकि आज हम उस जनरेशन में जी रहे हैं जहां पर हमें चाहिए कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम उस एरा में इस अभी जो एरा है उसमें जी रहे हैं, हमें चाहिए कि तूने मेरे लिए क्या किया तो मैं तेरे ऊपर क्यों विश्वास करूं? लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, ही डाइड फॉर यू एंड फॉर मी, ही टुक योर सिंस एंड माय सिंस अपॉन हिम, वो आपके लिए और मेरे पापों के लिए उसने हमारे सारे पाप अपने सर पर लिए और बलि का बकरा बना और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। He is the living God. He is the living God. He is the living God. हमने testimony of the scriptures, the fulfillment of Mosaic prophecies and all जो testimony of eyewitness देखा, जो भी पढ़ा था लास्ट टाइम में हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। पर जो मेरी बात आती है, why? Let me tell you why. I was born in a Hindu family. Okay? In India, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। जब मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मेरी माँ की तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं घर में सबसे छोटा हूं, हम 6 भाई हैं और मैं घर में सबसे छोटा हूं। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये प्लान नहीं किया था कि हमें एक और बच्चा चाहिए। जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हुई तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो जब मैं इस दुनिया में आने वाला था तो मेरे डैडी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि हम सिर्फ एक इंसान को बचा सकते हैं, या तो बच्चे को या फिर बच्चे की माँ को। तो मेरे डैडी ने कहा, कहते छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चे को जाने तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं, ये चला जाएगा तो कोई बात नहीं, माँ को बचा लो। पर देखो उस कुदरत की, उसकी जैसे बोलती है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तब परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको जन्म से पहले चुना हुआ है। जन्म से पहले वो मेरा नाम जानता था कि इसका नाम राज है, राजकुमार रहेगा। तो पैदा हुआ, दोनों बच गए और आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड। अभी भी ओबीडियंट हूं ऐसा नहीं है, मैं बहुत एक आज्ञाकारी बच्चा था जब मैं छोटा था। जो माँ बाप ने बोला मैं वो ही काम करता था। माँ बाप ने बोला कि उस मंदिर में जाकर आओ, मैं उसमें जाता था। माँ बाप बोलते थे उस दरगाह में जाकर आओ, उस दरगाह में जाता था। माँ बाप बोलते थे चलो आज वीरवार है, वो पीर बाबा का कुछ लगा है तो वहां पर जाकर आओ, तो वहां पर जाता था। माँ बाप बोलते थे कि आज इस गुरु के पास जाना है तो उस गुरु के पास जाता था। माँ बाप बोलते थे आज वो एक माँ देवी माँ आई है उसके यहाँ मिलना है, तो ये एक दूसरी देवी माँ आई है उसको मिलना है, उसके पास जाओ, तो मैं उनके पास जाता था। पर मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि मैं इनके पैरों को नहीं छूना। जो गुरु थे या देवी माताएं थी,
तो जो इंडिया में बहुत से ऐसी माताएं घूमती हैं, तो जो देवी माताएं थी, तो मेरे मन में यही बात रहती थी कि मुझे इनके पैर ही हाथ नहीं लगाना, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। मेरे पेरेंट्स झुकते थे, मेरे भाई झुकते थे, मेरी बहन झुकती थी, पर मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे इनके पैर हाथ नहीं लगाना। जो मेरे डैडी के गुरु थे पटियाला में, आई एम फ्रॉम पंजाब पटियाला, तो पटियाला में जो गुरु थे, तो जब मेरे डैडी मुझे वहां पर लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पांव छुओ। मैं कह सॉरी, मैं आपके पांव नहीं छूऊंगा। तो डैडी ने गुस्से हुए कहते, तू क्यों नहीं छूते, ये गुरु जी हैं, इनके पांव छुओ। मैं कह डैडी, मुझे नहीं झुकना इनके सामने, इन्होंने मेरे लिए किया क्या है, ये आपके गुरु हैं, पर मैं इनके पांव नहीं छूऊंगा। तो गुरु जी ने बोला, कहते कोई बात नहीं, इस बच्चे को रहने दो, इसके रहने दो, इसको मत छूने दो पांव, क्योंकि कोई इसके पास ऐसी चीज है जो इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। इवन दो जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते, पर उनको पता होता है कि यस देयर इज अ लिविंग गॉड, इसके पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद हमारे पटियाला में एक शास्त्री जी, मैं बताऊं कि मेरी जो फैमिली थी वो हिंदू धर्म में बहुत विश्वास करते थे और बहुत मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद सब जगह जाते थे वो। उन्होंने कभी किसी में ऐसा नहीं सोचा कि हर जगह जाते थे, पर मैं ही एक ऐसा था कि जो उनकी बातें मानता था पर मेरा मन नहीं लगा रहता था। तो एक शास्त्री जी थे, तो शास्त्री जी के पास मुझे ले गए मेरे पेरेंट्स, कहते इसकी जन्म पत्री बनाओ, ये तो कभी मंदिर में जाता है या उसके पास जाता है, किसी के पैर ही हाथ नहीं लगाता, पता नहीं क्या है इसको, इसको इसकी जन्म पत्री बताओ, बताओ और देखो क्या है। तो शास्त्री जी ने जन्म पत्री बनाई, तो कहते कि अगले हफ्ते लेकर आऊंगा घर में। लेकर आए, उन्होंने बताया, मुझे बिठाया पास में, उन्होंने क्या बोला, कहते इसके पास एक ऐसा सितारा है जो मुझे समझ नहीं आता। इतने बड़े शास्त्री जी बोल रहे हैं, कहते इसकी जन्म पत्री में एक ऐसा सितारा है जो मुझे समझ नहीं आता, वो सितारा इसको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। तब मुझे भी समझ नहीं थी वो सितारा कौन था, जीसस क्राइस द सन ऑफ गॉड। तब तक भी मुझे प्रभु यीशु के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने और बड़ा हुआ, मंदिर जाना शुरू किया, सुबह मंदिर 4 बजे जाता, मंदिर को धोता, आरती पूजा सब मंत्र जो मंत्र हैं उसको छेंट करता, और उसको मैंने मेमोराइज कर लिए मंत्र को। मंदिर में जाता था पर मेरा मन नहीं लगता था, मुझे लगता था कि आई एम मिसिंग समथिंग, मेरे पास कोई ऐसी चीज है हालांकि जो मंदिर में नहीं है। तो फिर मंदिर में इस लालच में जाते थे, वहां पे प्रसाद मिलेगा, केले मिलेंगे, एप्पल मिलेगा और लड्डू बर्फी मिलेगी, उसके लालच में जाना शुरू कर दिए। पर जो मन था वो नहीं टिकता था, मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी, देयर इज अ समबॉडी जो कि सुप्रीम पावर है, जो कि ऊपर है वो सुप्रीम पावर, वो मुझे चाहिए। जो मैं मंदिरों में ढूंढ रहा था, पर वो मुझे सुप्रीम पावर चाहिए। तो भी कुछ नहीं हुआ। तो इलेक्शन आए, मेरे घर की दीवार के बाहर किसी ने लिख दिया, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, ओ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो मैं उसको हर रोज पढ़ता, तो ये एक दिमाग में बात सोचता कि ये कौन है मजदूर आदमी, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये कौन ऐसा मजदूर आदमी है जिसने अपना खून बहा दिया, ये कौन है। तो मेरे दिमाग में एक यही बात आती थी कि ये शायद किसी मजदूर लीडर का नेता होगा, बेचारा मर गया होगा और इसीलिए उसके नाम से ये लोग वोट मांग रहे हैं। तब भी कोई पता नहीं चला। एक ही ड्रीम था कि मुझे अमेरिका जाना है, पढ़ाई कर ली, शादी हो गई, बच्ची हो गई, फिर भी एक ही दिमाग में था कि मुझे अमेरिका जाके सेटल होना है। तो मेरी वाइफ बोलती कि तुझे अमेरिका का वीजा कौन देगा, हमें तो कोई जानता भी नहीं, छोड़ रहने दो। मैं कह नहीं, मैं जाऊंगा।
अमेरिका का वीजा लेने के लिए गया, अमेरिका का वीजा मिला, यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आया तो बहुत समस्याएं होती हैं, हम इंडिया में या पाकिस्तान में या दूसरे देशों में ये सोचते हैं कि अगर हम अमेरिका में आ गए हैं तो सब सही हो गया। नो, यू हैव टू स्ट्रगल। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू के दिनों में, पैदल जाना, जूते फटे हुए, स्नो में जाना, कुछ पता नहीं, ना अकेले मैंने, काफी लोगों ने जो बाहर देशों में रहते हैं उन लोगों ने भी ये इतनी स्ट्रगल की होगी और मेरे से भी ज्यादा की होगी। पर जो स्ट्रगल थी तो ऐसा मैं उदास रहने लग गया। तो मैंने नौकरी मिल गया, नौकरी मिल गया, वहां पर एक पास्टर आते थे, पर मेरी मैं आई एम ए वेरी जॉली पर्सन, मैं बहुत जोक्स क्रैक करता हूँ और हंसता हूँ। तो एक दिन आई वाज वेरी अपसेट, काइंड ऑफ ऐसे उदास था, तो वो पास्टर ने आके बोला, आई एम टेलिंग यू व्हाई आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, ओके, व्हाई, दैट्स माय टेस्टिमनी। तो पास्टर ने बोला, कहते हे राज भाई कैसे हो? मैं कहता ठीक हूँ सर। कहते क्या वो बहुत उदास लग रहे हो? उनका पास्टर जी का नाम है पास्टर अविनाश राय बोर्डे, वो जो मेरे भी पास्टर है, पास्टर राय, पास्टर अविनाश राय बोर्डे एंड उनकी वाइफ पास्टर माँ प्रणोती राय बोले, तो अभी भी मैं आज भी मेरे पास्टर हूँ। तो वो मुझे बोले, कहते राज भाई क्या हुआ? मैं कह सर कुछ हो गया। कहते अगर तू इतराज ना करे तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। तो मैंने सोचा यार करने दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कह ठीक है पास्टर जी अभी कर लो प्रार्थना। कहते आ जाओ मेरी गाड़ी में आप भी बैठो, वहां पे बैठ के प्रार्थना करेंगे। मैं उनकी गाड़ी में गया, बैठा, प्रार्थना किया। तो पास्टर अविनाश जी ने बोला मुझे, कहते जो भी तेरी समस्या मुझे नहीं पता पर दो दिन में खत्म हो जाएगी। मैं कह ओके थैंक यू पास्टर जी, कितने पैसे दूं? मैंने जेब में हाथ डाला, मैं कह कितने पैसे दूं? कितने दूं? हम पैसे चार्ज नहीं करते। मेरे दिमाग में वही बात थी कि क्योंकि जिस कल्चर से मैं आया था कि जो कोई आपके लिए प्रार्थना करे, जो कोई काम करे, उसको आपको पैसा देना है। पर हियर जब पास्टर जी ने मेरे लिए दुआ किया तो मैंने कहा कितने पैसे? कहते कोई पैसा नहीं। पर आजकल के जो पास्टर्स हैं इंडिया में, पंजाब में, सब अदर प्लेसेस, उन्होंने ये धंधा बना लिया है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो 25,000 लगेगा, मैं तेरे लिए ले हैंड प्रार्थना करूंगा तो 50,000 लगेगा, ऐसा लगेगा। आई एम ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल पास्टर अविनाश, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, हमें मुफ्त में आगे बांटना है। आमीन, थैंक यू पास्टर जी। तो इफ समबडी, अगर कोई पास्टर आपको बोले ना कि मैं ले हैंड करूंगा, 50,000 दो, 25,000 दो, 10,000 दो, वहां से भाग जाओ, रन फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि वो सिर्फ प्रभु यीशु का नाम ही खराब नहीं कर रहे, वो अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। ओके, भागो वहां से, यू डोंट हैव टू हैव, कोई भी उसमें आपको पार्ट नहीं लेना उसमें। तो मेरे पास्टर ने बोला कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे नहीं चार्ज करते प्रार्थना के। मैं कहा ओके थैंक यू सर। तो मैं दिमाग में सोचने लगे यार कि यार क्या पास्टर है, मैं वो सोच बता रहा हूं, क्या पास्टर है, प्रार्थना भी कर दिया, पैसा भी नहीं लिया, पागल आदमी है, ऐसा सोचा। इसीलिए जो पास्टर है वो दूसरों का फायदा उठाते हैं। अरे इससे पैसे ले लो, नहीं तो सोचेगा कि प्रार्थना नहीं कर दिया, अगर पैसे नहीं लिए तो जवाब नहीं आएगा। नो 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 नो, इट्स ए फ्री, FREE, फ्री, ओके, फ्री। अगर कोई खुशी से देता तो ले लो, बट इट्स ए फ्री। तो उन्होंने कहा कि दो दिन के बाद तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दो दिन के बाद मेरी समस्या खत्म हो गई। Then I start looking for this pastor. तो मैं पास्टर जी को ढूंढ रहा था, कहाँ है वो? दो हफ्ते के बाद फिर आए स्टोर में। तो मैं दौड़ के गया, पास्टर जी पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कहते आराम से शांति रखो। मैं कहते बताओ क्या हुआ? मैं क्या, जो आपने प्रार्थना किया था दो दिन के बाद मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। कहते यार मुझे पता है। मैं क्या, आपको पता है? ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता? कहते आई नो गॉड एंड ही इज लिविंग गॉड, ही इज हियर। तो मैंने बोला पास्टर जी मैं भी उस गार्ड में, उस परमेश्वर में विश्वास करना चाहता हूं, आप ऐसे करें जल्द से जल्द मुझे उनकी एक फोटो दे दे, एक पिक्चर दे दे, ताकि मैं अपने घर में जाके मंदिर में लगा दूंगा, उसमें एक फूल माला चढ़ा दूंगा, अगरबत्ती करूंगा। पास्टर ने बोला नो, ही इज लिविंग गॉड,
हम जिंदे आदमियों की ऐसे मूर्ति लगा के पूजा नहीं करते। ओके, ही सेड नो, ही इज लिविंग गॉड, देयर इज नो टेंपल फॉर हिम, वो जीवित है आपके हृदय में। तो मैंने कहा मुझे सिखाइए इस परमेश्वर के बारे में। तो मुझे उन्होंने इस परमेश्वर के बारे में दिखाया, सिखाया। जब उन्होंने बाइबल दिया, मैंने बाइबल खोला, पढ़ा। जब मैंने बुक ऑफ मैथ्यू खोला तो लिखा हुआ था, बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरी आंखें ऐसे खुली, कहता कि वो बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। कितने सालों से, कितनी देर से वो परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा था, पर मैं ही उसको सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। तो मैंने कहा, पास्टर जी, I want to follow Jesus। मैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में रखना चाहता हूं, जिस तरह से आपने अपने हृदय में रखा है, जिस तरह से वो आपसे बातें करता है। मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर मेरे से भी बात करे, क्योंकि मैं तो इतने सालों से, इतने बचपन से मंदिर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इवन तो हर जगह पे गया, पर मुझे किसी ने बात नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर को। तो उन्होंने कहा कि एक सिंपल सी प्रेयर है, लिटिल प्रेयर, वो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया। द डे आई प्रेड, वो जो लिटिल प्रेयर हम आखिर में बताएंगे, वो जो लिटिल प्रेयर मैंने किया सच्चे मन के साथ, एकदम 100% विश्वास करके, तो ऐसे लगा कि किसी ने मेरे सर से एक बहुत बड़ा पत्थर, पहाड़ ऐसे उठा के फेंक दिया, और मैं इतना लाइट फील करने लगा, एकदम से लाइट फील करने लगा। ऐसे लगा कि वाओ, ये तो नई दुनिया है, नया सूरज, नया आसमान, सब कुछ नया नया, अंबर भी नया होगा, धरती भी नई होगी, सब कुछ नया हो गया। और उसके बाद आई स्टार्ट फॉलोइंग जीसस। फॉलोइंग जीसस वो आपका धर्म चेंज नहीं होता। ओके, इंडिया में बोलते हैं ये क्रिश्चियन लोग धर्म चेंज करते हैं, क्रिश्चियन लोग धर्म चेंज करते हैं। लेट मी टेल यू टुडे, क्या आप सोचते हो कि क्रिश्चियन लोग धर्म चेंज करते हैं? अगर आप मेरे से पूछो, इंडिया में कितने ऐसे धर्म हैं जो हिंदुओं का धर्म चेंज करते हैं? ओके? कितने ऐसे जो छोटे छोटे धर्म हैं, जो जैन धर्म है, जो ब्रह्म कुमारीज हैं, जो साधु संत हैं, और जो ब्यासा वाले बाबा जी, जो दूसरे हैं, वो लोग धर्म चेंज कर रहे हैं, ना कि क्रिश्चियंस धर्म चेंज करते हैं। ओके? वो लोग हिंदुओं का धर्म चेंज कर रहे हैं, वो उनको बोलते हैं कि आप हिंदू धर्म से इधर आ जाओ। अगर आप ब्रह्म कुमारीज को देखें, दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, पर वो कहते हैं कि अगर आप हिंदू हो तो इधर आ जाओ, बाबा को फॉलो करो। ओके? उन्होंने धर्म चेंज कर दिया आपका, हिंदुओं से लेके इधर आ गए, आप उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। देन यू डोंट हैव टू डू विद नथिंग विद द इंडियन और हिंदू गॉड्स, बट यू आर फॉलोइंग दैट बाबा। उन्होंने धर्म चेंज करते हैं, ना कि क्रिश्चियंस धर्म चेंज करते हैं। क्रिश्चियंस रिलेशन बनाते हैं उस पिता के साथ, उस परमेश्वर के साथ। ये बदनाम करके रखा है सब, ये ऐसा करते हैं, 2.5 लाख देते हैं। अरे भाई, मुझे भी 2.5 लाख दिला दो, मेरा 2 ट्रिप इंडिया के फ्री हो जाएंगे। इट्स ऑल मिथ, ये कहानी है। अगर आपको देखना है कि कौन धर्म चेंज करते हैं, जस्ट इंडिया में ही देखो, जो कि हिंदू जैसा नाम रखकर, हिंदू जैसा काम कर हिंदुओं का धर्म चेंज करते हैं, ना कि क्रिश्चियन। तो जब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मुझे बहुत शांति मिली, मेरा कोई धर्म चेंज नहीं हुआ, अभी भी मेरा नाम राजकुमार है। ओके? मेरा अभी जॉन नहीं है नाम, अभी भी मेरा नाम राजकुमार है, प्रिंस। मेरा कोई धर्म चेंज नहीं हुआ, मैंने जीवित परमेश्वर को अपने हृदय में रखा। उसने जिसने मेरी सारी जिंदगी चेंज कर दी, उसने जिसने मेरी सारी जनरेशन को चेंज कर दिया।
That's why I believe in him. That's why I believe in him. तो जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो मेरा जीवन में बदलाव आ गया। जो काम मैं पहले करता था अभी नहीं करता, जो पहले मैं लोगों को सताता था अभी नहीं सताता, पहले मैं ड्रिंक करता था अभी नहीं करता, पहले मैं जो भी उल्टे सीधे काम करता था अभी नहीं करता, पहले लालच करता था अभी नहीं करता, पहले ईर्ष्या करता था लोगों से अभी नहीं करता, क्योंकि उस परमेश्वर ने, उस जीवित परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। उस जीवित परमेश्वर ने लालच खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म हो गई, सब उल्टे सीधे काम खत्म हो गए, उस परमेश्वर की वजह से। अभी परमेश्वर जीवित है, मैंने उनको अपने हृदय में तो ग्रहण कर लिया, अभी इस बच्चे को नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है, बच्चे को या कि हम बच्चा ही हूं, क्राइस्ट में बच्चा था तब, तो यह नहीं पता कि अभी प्रार्थना कैसे करनी है। पास्टर जी ने एक बात बताई थी, कहते वो जीवित परमेश्वर है, कहते यू डोंट नीड मी, आपको मेरी जरूरत नहीं है कि हर टाइम आप मुझे कॉल करो, पास्टर जी मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी मेरी, मुझे ले हैंड प्रेयर चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, या फिर मैं प्रेयर लाइन पे या फिर हॉट लाइन पे कॉल करूं वो मुझे प्रार्थना चाहिए, तो पास्टर जी ने कहा यू डोंट नीड मी, यू नीड जीसस क्राइस्ट, जस्ट ही इज लिविंग गॉड, उसके सामने जाओ, उसके पास बैठो, ऐसे इमेजिन करो कि वो आपके साथ बैठा है, जस्ट टॉक टू हिम, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे टॉक, वैसे बात करो उस परमेश्वर से। तो मेरी पहली प्रार्थना, मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, मुझे छुट्टी चाहिए थी चर्च जाने के लिए, तो मैनेजर ने बोला कि आज संडे है तुम नहीं जा सकते, हमारा चर्च तब शाम को होता था, तुम नहीं जा सकते, और सॉरी तू नहीं जा सकता, ऐसे चर्च नहीं जा सकता। तो मैं कोई बात नहीं, मैंने बाहर बैठा कैश काउंटर के पास, मैं जीसस मुझे नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, जीसस मैं नहीं जानता कि मैं हाथ जोड़ू या हाथ ऊपर करूं या एक पैर पे खड़ा, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं यहां पर बैठा हूं कि मेरे पास्टर ने बोला कि आप मेरे सामने हो, मेरे पास हो, आप जीवित परमेश्वर हो, जीसस मैं आज चर्च जाना चाहता हूं, मैं चर्च जाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। इतना बोल के आमीन बोल दिया। तो 5 मिनट के बाद मेरा बॉस आया वापिस, वो कहता हूँ राज You want to go home, right? He said, go home and take Monday off. Come back Tuesday. वो पहली प्रार्थना परमेश्वर ने आंसर की। जिस तरह से पास्टर ने बताया कि तू मुझे, ऐसा नहीं कि मैं ही आगे तेरे लिए प्रार्थना करूं, बट तुम अपने लिए खुद प्रार्थना कर सकते हो, बिकॉज ही इज लिविंग गॉड। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, इफ यू हैव द फेथ लाइक ए चाइल्ड, आपका अगर आप में बच्चे जैसा विश्वास है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो मेरी प्रार्थना सुनी तो मेरा विश्वास और बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद मेरी बुक है, लिखी है 8 घंटे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, पहले पंजाबी में, अभी हिंदी में आने वाली है, और उसके बाद इंग्लिश में, 8 घंटे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। तो दैट्स व्हाई आई एम बिलीविंग इन हिम, नंबर 1 इटर्नल लाइफ, उसने अनंत जीवन का प्रॉमिस किया है मुझे, और आपको भी वो अनंत जीवन का प्रॉमिस करता है अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो। डू नॉट फॉलो भाई वो धर्म चेंज करता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लीव इट एवरीथिंग। जब आप मर जाओगे आपको खड़ा होना पड़ेगा उस परमेश्वर के साथ, ना कि उस बंदे को जो आपको बोलता है कि अरे तू क्या कर रहा है क्रिश्चियन लोगों के साथ, इनको मार। ओके? वो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ना कि उसको। हम दूसरों की बातों में आके ये कर देते हैं। That's why I'm believing in Jesus, because he is living God. वो मेरे और आपके पापों के लिए मरा है। आपको याद होगा हम अपने पापों के लिए, जब मैं इंडिया में था तो क्या करते थे, हमें सिखाया गया था कि आपके पापों के लिए बकरे की बलि दो,
वो काली माता के मंदिर में जाके बकरे की बलि दो, या शराब चढ़ाओ, या फिर मुर्गे की बलि दो, ऐसा कुछ करो। तो वो बलि का बकरा प्रभु यीशु बन रहा है, आपके पाप के लिए और मेरे पाप के लिए। वो क्रूस पर चढ़ाया गया आपके पाप के लिए और मेरे पाप के लिए, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, ताकि हम स्वर्ग में जाएं उसके साथ, ताकि हम वी विल रेन विद हिम फॉर एवर एंड एवर। हम उसके साथ I'm thinking to continue my testimony next week also. किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, ताकि आप उस परमेश्वर को अपने हृदय में ला सके। उसने मेरे जीवन को बदला है, वो आपको भी बदल सकता है। अगर मेरे जैसे इंसान को बदल सकता है, वो आपको भी बदल सकता है, क्योंकि जस्ट आपको विश्वास करना है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, महिमा करता हूँ प्रभु। आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर, आप ही अच्छे हो, जीवित हो। थैंक यू, आप इस धरती पर आए 2000 साल पहले, मारे के क्रूस पर, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। लॉर्ड आप जीवित परमेश्वर, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। लॉर्ड आज आई प्रे कि जो लोग आज देख रहे हैं हमें, आई प्रे कि आप उनके घर में मिरेकल करें। लॉर्ड आई प्रे कि आपकी महिमा हो उनके घर में प्रभु जी। लॉर्ड आई प्रे कि आप उनके हृदय में परिवर्तन लाए। लॉर्ड आई प्रे कि उनके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सब हो यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आई प्रे कि जो लोग आप हो कहीं पर भी दर्द है, यू पुट योर हैंड, ये अपना हैंड रखें। अगर मोड़े में दर्द है वहां रखें, घुटनों में दर्द है वहां रखें, पेट में दर्द है वहां रखें, कहीं हृदय में दर्द है वहां रखें, और बोले कि लॉर्ड मैं आज आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आज आप मुझे ठीक कर देंगे। तो परमेश्वर आज आपको ठीक करेगा। आज परमेश्वर ने आपको ठीक किया, आपके दर्द को ठीक किया, बैक दर्द को ठीक किया है, घुटनों के दर्द को ठीक किया, सर दर्द, जो सुबह उठते हैं तो सर दर्द, सुबह उठते हैं तो बॉडी दर्द, वो सब दर्द खत्म यीशु नासरी के नाम से। लॉर्ड आई टेक द अथॉरिटी एंड आई क्लेम द विक्ट्री। लॉर्ड आई प्रे कि इन लोगों के दर्द यीशु नासरी के नाम से खत्म। थैंक यू, धन्यवाद देता प्रभु जी, आपकी महिमा करता हूँ। आप अच्छे महान हमारे परमेश्वर, प्रभु जी आप हमेशा मेरी प्रार्थना सुनते और मानते, आपने ये प्रार्थना भी सुनी और मानी, मानता हूँ यीशु नासरी के नाम से। एक कंचन बहन है जो आई प्रे कंचन बहन के लिए, कि कंचन बहन मैं आपको नहीं जानता, पर आई प्रे कि परमेश्वर आपको ठीक करे और परमेश्वर आपके घर में बहुत बरकत लेकर आए, और जो भी आप मुसीबतों से जा रहे हैं वो सारी मुसीबतें परमेश्वर खत्म करके आपके घर में खुशियां लेकर आए। सिर्फ आपको यही काम करना है कि उसको अपने हृदय में बुलाए, इनवाइट करें। ओके, जो मैं छोटी सी प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, कॉल लिटिल प्रेयर, अगर आप मेरे साथ करेंगे सच्चे मन के साथ, लाइक यू मीन इट, जैसे कि आपने विश्वास करके किया उसको, तो मेरे साथ वो प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गो टू हेवन। ओके, चलिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ लॉर्ड, मेरे प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ उस यीशु के नाम से जो यीशु क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो जिंदा हो गया है, अभी जीवित परमेश्वर है। मैं उस यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ। आज से मैं उसकी वर्शिप करूंगा, उसको फॉलो करूंगा। प्रभु जी मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ और प्रभु जी मैं आपके चरणों में आता हूँ। मुझे इतनी शक्ति ताकत दे ताकि मैं आपके कामों को और आगे बढ़ा सकूँ। आज मैं आपको अपने हृदय में विश्वास के साथ रिसीव करता हूँ, मांगता हूँ यीशु के नाम से। अगर आज आपने ये छोटी सी प्रार्थना की, इसका मतलब यू आर सेव्ड, यू विल गो टू हेवन। उसके बाद क्या होगा, बाइबल में लिखा हुआ है। ओके, ऐसा नहीं कि बस एक बार वीजा लग गया तो यू विल गो टू हेवन। यस, यू विल गो टू हेवन, उसके बाद हेवन से धक्के मार के भी निकाला जा सकता है। ओके, तो चलिए हम आखिर की दुआ करेंगे। ओ लॉर्ड यू ब्लेस मी इनडीड,
enlarge my territory, your hand be upon me, keep me from the evil one, that I may not cause any pain to you. प्रभु का प्यार और पवित्र आत्मा का गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहे, आज से लेकर आखिर तक। पवित्र आत्मा आपको गाइड करे और आपके संग संग चले, और प्रभु जी आप इनको अपने पंखों तले छुपा के रखे। यीशु के नाम से थैंक यू अगेन। सबको जय मसीह की। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। एंड अगेन जय मसीह की। देन आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट संडे। Praise the Lord, and we are going to continue. I'm going to continue my testimony. Okay, praise the Lord. We'll see you next Sunday. Bye.